गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चों आपको कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्या आप जानते हैं यह कौन है? यह बचेंद्री पाल हैं जो एवरेस्ट की चढ़ाई पर पहली महिला हैं जो एवरेस्ट को बहुत चढ़ चुकी थी। उनका नाम क्या है? बचेंद्री पाल। तो आज मैं आपको क्या यह तस्वीर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको आज इस इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया। बचपन से ही इनकी कोशिश थी कि ये ऐसा कुछ करना चाहती थी, तो इन्होंने अपने इसमें एक स्टोरी है जिसमें जिसके माध्यम से आपको इनके बारे में जानने के लिए पता चलेगा और आप भी इनसे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आप ये फ़ोटो क्यों दिखा रही हूँ। बचेंद्री पाल ने जो कर दिखाया है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी? एक्सरसाइज करना होगा, रनिंग करना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, तो इसी तरह की मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक सागर माथा से। तो आज का जो हमारा लेसन है, उस लेसन का नाम क्या है? सागर माथा से। लगन और हिम्मत से बचेंद्री पाल ने वो काम कर दिखाया जो आप भी कर सकते हैं। तो बचेंद्री पाल ने एक पत्र के द्वारा अपने मित्र बंधुओं को बताया है अपने जीवन रेखा के बारे में कि उन्होंने बचपन से ही क्या किया, कैसे वो उसमें एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए वो सिलेक्ट हुई, फिर वो कैसे आगे बढ़ी, वो सब आपको इसमें जानने के लिए मिलेगा। फिर वो जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो उसके बाद वो क्या आपको संदेश देती हैं, किसको धन्यवाद करती हैं, यह सभी आपको इस लेसन में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे नन्हे भाइयों और बहनों, बचेंद्री पाल ने एक बहुत ही प्यारा सा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया है कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया, कैसे वह सिलेक्ट हुई। ठीक है, चलिए जानते हैं, उनके पत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या लिखी है? मेरे नन्हे भाई बहनों, जय हिंद। ठीक है, इस समय दोपहर के 1:07 हुए हैं। कितने बजे हैं बच्चों? 1:07 हुए हैं। मैं सागर माथा पर खड़ी हूँ। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का नेपाली नाम है। एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंची यानी कि सबसे लंबा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से पढ़ना भी जानना है। ठीक है, कितना बताया गया टाइम? 1:07 पर वो कहाँ खड़ी थी? सागर माथा पर खड़ी थी, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंची चोटी एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं पाठशाला में पढ़ती थी, देखिए अब वो क्या बता रही है, अपने बचपन से संबंधित बता रही है बच्चों, कि जब मैं पाठशाला में पढ़ती थी तब अपने गांव की पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ जाती थी। देखो, बचपन से ही वो क्या करती थी, भागा करती थी, दौड़ा करती थी, मेहनत करती थी। तो क्या बता रही है? पाठशाला नहीं की विद्यालय, स्कूल। तो उसमें जब पढ़ती थी तो वो क्या करती थी, जो उनके गांव की पहाड़ियाँ रहती थी उस पर दौड़ कर चढ़ जाती थी। और बचपन से ही मुझे पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। बचपन से ही उन्हें क्या लगता था? पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही पसंद था, प्रिय था। ठीक है, तो बचपन से ही दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये सभी में वो मेहनत करती थी और वो पहाड़ों को बहुत ही आसानी से चढ़ जाती थी। यह सन 1984 की बात है, तब एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए मुझे चुना गया था। बच्चों, तो यह सन 1984 की बात है, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए बचेंद्री पाल को क्या किया गया था? चुना गया था।
उस दिन मैं ढेर सारी उमंग से भर गई थी। उस दिन बचेंद्री पाल किससे भर चुकी थी? पूरे उमंग और जोश से भर चुकी थी। वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जो करना चाहती थी उनके लिए उनको क्या मिला था? मौका मिला था। बच्चों, आप भी स्कूल में हैं, अगर आपको भी कैप्टन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए, उसके लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको लीडर बनाने के लिए, कैप्टन बनाने के लिए अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप बहुत ही खुश हो जाते हैं, आपके अंदर उमंग आ जाता है, जोश आ जाता है, और उसके बाद और आप अच्छे से काम करने लग जाते हैं कि मैं और अच्छे से काम करूँगा और मैं अपना नाम रोशन करूँगा। तो ठीक उसी तरह जैसे ही पता चलता है कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए, तो ढेर यानी कि बहुत सारी उमंग यानी कि जोश से भर गई थी। पहली बार महिलाओं को एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का अवसर मिला था। तो वही टाइम था, 1984 की बात है बच्चों, पहली बार महिलाओं को चढ़ने का अवसर मिला था। अवसर यानी कि मौका मिला था। इसके पहले महिलाओं को यह मौका नहीं दिया जाता था, 1984 से ही यह मौका दिया जाने लगा था। इस दल में मेरे साथ 6 महिलाएं और भी थी। अब क्या बता रही हैं वो? वो बता रही हैं कि मैं और मेरे साथ 6 महिलाएं और भी थी इस चढ़ाई के लिए। जब उन्हें चुना गया था, जब वो उनके पास गई, तो उन्हें पता चला कि उनके साथ 6 महिलाएं और हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे उन्होंने अपनी चढ़ाई को किस तरह से पूरा किया। ठीक है, आपको इसे अच्छे से रीडिंग करना है, पढ़ना है और समझना है। हमारा दल धीरे धीरे हिमालय पर चढ़ने लगा। जो उनके साथी थे, जो उनके साथीदारी थे, भागीदारी थे, लोग थे, वो उनके साथ क्या हो गए? धीरे धीरे हिमालय पर चढ़ने लगे। ठीक है, रास्ते की कठिनाइयों के कारण मेरे कई साथी पीछे छूट गए। रास्तों में बहुत सारे चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव आए, जिसे उनके साथी हल नहीं कर पाए। बहुत सारी परेशानी आई, उनसे बचेंद्री पाल बहुत ही आसानी से आगे बढ़ते गई और उनके साथी क्या हो गए? उनके साथ में जो और 6 महिलाएं थे वो सभी क्या रह गए? वो सब पीछे ही रह गए और वह आगे बढ़ते रही। एवरेस्ट शिखर पर आखिरी चढ़ाई करने वाले दल में मैं अकेली महिला थी। देखो, उनके साथी तो पीछे रह गए और ये आगे बढ़ते गए। अब एवरेस्ट की शिखर पर जो आखिरी चढ़ाई करना था, उसमें यह अकेली बची रह गई। चलिए आगे देखते हैं। तेईस मई 1984 को सुबह 5:30 बजे मैं अपने तंबू में पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकली। ठीक है, 23 मई की बात है बच्चों, 23 मई 1984 की बात है। सुबह 5:30 बजे क्या हुई? तंबू यानी कि टेंट में पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकली। मैं शेरपा अंग दौरजी के संग यानी कि साथ, शेरपा अंग दौरजी उनकी साथी, उनके साथ में मिलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगी। लक्ष्य यानी कि एम, जैसे आप लोगों का भी एम होगा कि मैं बड़े होकर यह बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो उसी तरह से वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए शेरपा अंग दौरजी के संग उनके साथ में आगे बढ़ने लगी। दोपहर को करीब 1 बजे मैं हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी थी। जब दोपहर के 1 बजे थे तो कहाँ पहुंची थी? हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो बच्चों आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिम्मत और लगन और निश्चय, अगर ये 3 चीज़ हो बच्चों, तो आप बहुत ही आसानी से बड़ा काम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ मेहनत, लगन, निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उन उतार चढ़ावों को अगर हराते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम जीवन में ज़रूर जीत पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है? इनकी ही तरह, इनकी बातों से आपको ज्ञान लेना है कि कैसे इन्होंने बचपन से ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने स्टार्ट किया। ठीक है, वैसे ही आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और सागर माथा को चूमा।
मैं माँ दुर्गा की एक तस्वीर भी अपने साथ ले गई थी। मैंने उसे वहाँ रखा और प्रार्थना की। देखो, जब वह हिमालय की चोटी पर पहुँच जाती है तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले ईश्वर जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें यह सब कुछ दिया, उनको धन्यवाद दिया और सागर माथा को चूमा और माँ दुर्गा की जो वो तस्वीर लेकर गई थी उसे रखकर उनकी प्रार्थना की, उन्हें धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपने ही मुझे सफल बनाया, मुझे इतनी हिम्मत दी कि आज मैं इस एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ सकी। और उन्होंने साथ में ही क्या किया, चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अपने मित्रों, अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकी। मैं भारत की पहली महिला बनी जिसने इस चोटी पर विजय प्राप्त की थी। देखो, उसने अपने माता पिता के को क्या किया, आशीर्वाद उसने बताया, उसने बोला, ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद किया, माँ दुर्गा की तस्वीर निकाली और उसे प्रार्थना की और अपने माता पिता कहा कि अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही मैं इस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकी। तो बच्चों, जीवन में आप जब सफल हो जाते हैं तो उसका श्रेय आपके माता पिता को जाता है। तो आप सभी जब भी आप आपके एम जो आपका लक्ष्य है अगर उसको आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही साथ अपने माता पिता के का भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, अपना आशीर्वाद दिया जिससे कि आज आप वह काम कर सके जो आप करना चाहते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा, और उसके बाद वह भारत की पहली महिला बनी जिसने इस चोटी पर विजय प्राप्त की। विजय यानी कि जीत। जैसे आप भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, और उसमें आप जब जीत जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, आप बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह एवरेस्ट की चढ़ाई पर जब वह चढ़ चुकी पहली महिला बनी बचेंद्री पाल, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, माता पिता को धन्यवाद दिया। ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे उनका क्या कहना है। मेरे बाल मित्रों, जीवन में आप तब तक आगे बढ़ते रहिएगा जब तक कि आपको मनचाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अच्छा, अब बस करती हूँ। तो उनका आखिरी संदेश आपके लिए क्या है, उनका आखिरी मैसेज आपके लिए यही है कि मेरे प्यारे बाल मित्रों, बाल यानी कि बच्चों, मेरे प्यारे बाल बच्चों, मित्रों, मेरे दोस्त, जीवन में आप तब तक आगे बढ़ते रहिएगा जब तक कि, देखिए बच्चों, उनका यह कहना है कि जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है अगर आप उसे प्राप्त करते हैं, मतलब उसे पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रहिएगा, चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको आगे ही बढ़ते रहना है और एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर पाएंगे। यह मैसेज वो आपको देना चाहती हैं। ठीक है, आपकी बड़ी दीदी बचेंद्री पाल। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस पत्र के माध्यम से समझ में आया होगा कि बचेंद्री पाल लोगों को क्या मैसेज देना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी। एक छोटा सा हिस्सा है, तो आपको भी क्या करना है, बचेंद्री पाल की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना है और किसी भी पड़ाव से हार नहीं मानना है। कोई सब्जेक्ट अगर आपको कठिन जाता है तो उसे कठिन समझ के छोड़ना नहीं है, जो कठिन है उसके पीछे आपको लग जाना है और उसे मेहनत करके उसे आसान बनाना है। तो यह बहुत ही अच्छा लेसन था, इसमें आपको लगन, हिम्मत और निश्चय से कैसे आगे बढ़ा जाए यह सीखने को मिला। और आप भी चाहें तो बचेंद्री पाल की तरह ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब मैं इसमें के शब्दार्थ बता देती हूँ। ठीक है, शब्दावली यानी कि शब्दार्थ देख सकते हैं, पेज नंबर 52 में दिया गया है। ठीक है, उमंग यानी कि जोश इसमें दिया गया है, मन में होने वाली खुशी। अवसर यानी कि मौका। दल यानी कि समूह। शिखर यानी कि चोटी। संग यानी कि साथ। तस्वीर यानी कि चित्र। विजय यानी कि जीत। बाल यानी कि बालक।
और बच्चों या बच्चा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया और अगले वीडियो में आपको अभ्यास क्रम के बारे में बताऊंगी, ठीक है, उसे किस तरह से करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इसी तरह से मन लगा कर पढ़िएगा, इसे अच्छे से 2 या 3 बार पढ़िएगा, जो नहीं समझा उसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा और वेबएक्स मीटिंग के समय आप मुझसे सैटरडे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा यह लेसन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू।